हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। रुकू सजदे तशहुद कयाम बनते गए। हजरत रुकू सजदे तशहुद कयाम बनते गए, हुजूर चलते गए और निजाम बनते गए। रुकू सजदे, अरे हजरत माशाल्लाह, रुकू सजदे तशहुद आयाम बनते गए, हुजूर चलते गए और निजाम बनते गए। जो लोग पुश्तों से कुछ भी न थे सिवाय गुलाम, हजरत जो लोग पुश्तों से कुछ भी न थे सिवाय गुलाम, दुरूद पढ़ते गए और इमाम बनते गए। जो लोग पुश्तों से कुछ भी न थे सिवाय गुलाम, दुरूद पढ़ते गए और इमाम बनते गए। हजरत लामा इरशाद साहब कुबला के हवाले से, दुरूद पढ़ते गए और इमाम बनते गए। बस एक नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, बस एक नामे मोहम्मद चुना गया। और फिर जो लोग पुश्तों से कुछ भी न थे सिवाय गुलाम, दुरूद पढ़ते गए और इमाम बनते गए। जो लोग पुश्तों से सिवाय नामे, बस एक नामे मोहम्मद चुना गया। और फिर इस एक नाम से सब नेक नाम बनते गए। बस एक नामे मोहम्मद चुना गया और फिर इस एक नाम से सब नेक नाम बनते गए। दुरूद पढ़ते गए और इमाम बनते गए। आइए हजरात, वक्त बहुत कम है, बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला साहिब सज्जादा खानकाह वाहिदिया तैयबिया ताहिरिया बिलग्राम शरीफ हजरत लामा मौलाना अशाह सैयदिया काई मौलाई सरकार सैयद सोहेल मियां हुजूर के जलवे बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला हमारी निगाहों के सामने होने वाले हैं। अब मैं बड़े अदब के साथ खलीफे सरकार सैयदी सरकार ताहिर मिल्लत हजरत लामा मौलाना असरार साहिब कबला से गुजारिश करता हूँ, वो माइक पर तशरीफ लाएं, खैर मकदम नारे तकबीर रिसालत की फिजाओं में कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैजाने ख्वाजा गरीब नवाज, मसलके आला हजरत, उर्से वाहिदी तैयबी ताहिरी, हुजूर साहिबे सज्जादा सैयदी सरकार सोहेले मिल्लत, नारे तकबीर। قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقل ربي زدني علما صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن لذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين बगैर किसी तमीद और दीबाचे की दुरूद पाक का विरद करें, पढ़े बास बुलंद اللهم صل على سيدنا مولانا سيدنا ومولانا والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالی علیہ وسلم سیدی سرکار اعلی حضرت علیہ الرحمت رضوان بارگاہ اہل بیت اطہار میں یوں خراج عقیدت پیش فرماتے ہیں۔ پارہائے صحف گنچہائے قدس, पारहाए सुहफ गुंचाहाए कुद्स, अहले बैते नबुवत पे लाखों सलाम, अहले बैते नबुवत पे लाखों सलाम। आबे तत्हीर से जिसमें पौधे जमे, आबे तत्हीर से जिसमें पौधे जमे, उस रियाज़े नजापत पे लाखों सलाम। सैयदा जाहिरा तैयबा, सैयदा जाहिरा तैयबा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। और क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात है रजा उस चमनिस्ताने करम की, जहरा कली है जिसमें हसन और हुसैन फूल, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, नूर का तू है ऐने नूर तेरा सब भरारा नूर का। हजरत गिरामी खार, यकीन मानिए ये हमारी और आप सबकी मुश्तरका सादत मंदी खुश नसीबी फिरोज बख्ती है कि बहमदही ताला हम उर्से वाहिदी तैयबी ताहिरी में शरीक सआदत हैं। अल्लाह तबारक व ताला हम सब की शिरकतों को कबूल व मकबूल फरमाए और इन आकाओं की फूज बरकात से माला माल फरमाए। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया उससे अपने आप को मुशर्रफ करें। अल्लाह तबारक व ताला कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, वखुर रब्बी जिदनी इल्मा, ए प्यारे महबूब तुम अर्ज करो मुझे इल्म ज्यादा
ज्यादा दे। इस आयत करीमा के ताल्लुक से हजरत अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इस आयत करीमा से इल्म दीन की फजीलत वाज़ह तौर पर साबित है कि अल्लाह तबारक व ताला के नजदीक अगर कोई चीज महबूब व पसंदीदा होती तो अपने महबूब को उस चीज की तलब की ज्यादती का हुक्म फरमाता। अल्लाह तबारक व ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म की ज्यादती के ताल्लुक से हुक्म दे करके वाज़ह फरमा दिया कि यकीनन इल्म दीन हासिल करना ये बहुत अजीम सआदत की बात है। इल्म से बढ़कर दुनिया में कोई चीज नहीं हो सकती है, इल्म से ज्यादा कीमती दुनिया में कोई शय नहीं है। यकीन मानिए हजराते ग्रामी उखार, ये दुनिया है, चंद दिनों की जिंदगी है। एक दिन हमें और आपको इस दुनिया को छोड़ करके जाना है। हमारे और आपके असलाफे कराम जिनका नाम हम ले रहे हैं, इन बुजुर्गों की बारगाहों में अपनी अपनी अकीदतों मोहब्बतों खराज पेश करना, अपने वक्त के अजीम मुफ्ती, अपने वक्त के अजीम मुहद्दिस, बड़े बड़े उलमा मशाइख जिनकी बारगाहों में अपनी अकीदतों मोहब्बतों खराज पेश करना, भाई से खैरो बरकत समझते हैं, भाई से सद इफ्तिखार समझते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? आपको मालूम होना चाहिए ये अल्लाह के मुखरब बंदे जब तक दुनिया में थे, जब तक दुनिया में थे अल्लाह उसके रसूल का जिक्र करते रहे, परवरदिगारे आलम की किबरियाई बयान करते रहे, उसके प्यारे महबूब से सच्ची मोहब्बत करते रहे। दुनिया के लोग तो उन्हें दीवाना और मस्ताना पागल समझते रहे, लेकिन हकीकत में उनका मकाम इतना बुलंदो बाला था जब आपकी बारगाह में जब वो दुआ करते थे अल्लाह उनकी दुआओं को कबूल फरमा ले। बेशक बेशक सुभान अल्लाह, ये मकाम किसी को ऐसे नहीं मिलता है। बंदे मोमिन जब खुलूस लिल्लाहियत के साथ फराइज़ो वाजिबात की अदायगी के बाद जब उसके जिम्मे फराइज़ो वाजिबात की अदायगी बाकी नहीं होती है, अब रब का कुर्ब हासिल करने के लिए जब बंदे मोमिन क़यामुल लैल करता है, नमाफिल में नमाफिल पढ़ता है, हदीस कुदसी है, अल्लाह फरमाता है माज़ाल अब्दी जब क़र्रबो इलैया बिन नमाफिल हत्ता अहबबतुहु फ़ैज़ा अहबबतुहु फ़कुन्तु समहुल लज़ी अफ़सरु बिही बसरहु लज़ी अफ़सरु बिही लिसानहु लज़ी यतकल्लमु बिही यदहु लज़ी यतशाबिहा रिजलहु लज़ी यमशी बिहा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानो, अल्लाह फरमाता है जब बंदा नवाफिल के जरिए मेरा क़ुर्ब हासिल करता है तब मैं उसे अपना महबूब बना लेता हूँ। जब अल्लाह किसी को अपना महबूब बना लेता है तो उस बंदे की शान ये होती है, सारी खुदाई उसकी हो जाती है। अल्लाह फरमाता है उस बंदे के कान में बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, उसकी आंख में बन जाता हूँ जिससे वो देखता है। यही वजह है जब दुनिया का कोई इंसान किसी चीज को बगौर देखना चाहता है तो आंखें फाड़ करके देखता है, लेकिन जब अल्लाह का मुखर्रब बंदा सैयदी सरकार ताहिरे मिल्लत हमारी तकदीर को पढ़ना चाहते हैं तो उल्टे ही चाल चलते हैं। दीवान दानिश आंखों को बंद करते हैं दीदार के। जी माशाल्लाह माशा। यहाँ से पैगाम लेकर के जाओ, फकत नारे लगाने से हमें कामयाबी नहीं मिलेगी। जब तक इन बुजुर्गाने दीन के तामने करम से हम वाबस्ता नहीं होंगे, इनकी हयात तैयबा के सुनने के साथ साथ जब तक इनकी सीरत तैयबा पर इनके इरशादात व फरमूदात पर हम अमल नहीं करेंगे हमें कामयाबी नहीं मिल सकती है। इसीलिए सैयदी सरकारे आला हजरत चैलेंज के साथ फरमाते हैं जो इन बुजुर्गाने दीन के तामने करम से वाबस्ता हो गया, इनकी सीरत तैयबा को अपनी जिंदगी का मशाल बना लेता है, फिर उसे दुनिया की कोई ताकत गुमराह नहीं कर सकती है। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो सुराग लेके। बहुत अच्छा, वाह वाह। आपको मालूम है सिर्फ खानका है, ये खानका नहीं है। आपने रात में मंजर देखा, बेहमदही ताला तकरीबन पांच बच्चे इस दारुल वाहिदिया तैयबिया बिलग्राम शरीफ से फारिग हुए। आप यहाँ से पैगाम लेकर के जाइए हम मुसलमान हैं, दीगर कौमों को मत देखिए। आप अपनी निजात के लिए, अपनी मगफरत के लिए, अपनी दुआए मगफरत के लिए, अपनी नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए अपने एक बच्चे को आलम दीन बना दीजिए, अपने एक बच्चे को खारी कुरान बना दीजिए, हाफ़िज़े कुरान बना दीजिए। आज हमारी कौम का रुझान इल्मे दीन मुस्तफा से दूर होता जा रहा है। आपको मालूम होना चाहिए इल्मे दीन मुस्तफा की वो असमतें हैं, आप खुद मुलाहिजा कर रहे हो। आज इंसान दुनिया में तरक्की करना चाहता है, हर शख्स की यही तमन्ना होती है कि मुझे इज्जत मिल जाए, मुझे शहरत मिल जाए। इसके लिए इंसान दो चीजों का तलबगार होता है, पहले नंबर पर वो दौलत हासिल करना चाहता है, लेकिन वो अल्लाह नादान है वो लोग जो दौलत को मियार इज्जत समझते
हैं, इसलिए कि दौलत ये चलती फिरती उड़ती फिरती गुड़िया और चिड़िया है। आज अगर किसी और के पास है तो कल किसी और के पास होगी। दूसरे नंबर पर इंसान किसी बुलंद ओहदे का ख्वाहां होता है, यही वजह है कभी छुपके छुपके छुप छुप कर बादशाह बनने के रंगीन ख्यालों से अपने शबिस्ताने ख्याल को आरास्ता करता है। लेकिन तारीख शाहिद है, अज से लेकर के आज तक उन्हीं बादशाहों को इज्जत वखार मिली जो अल्लाह उसके रसूल के अहकाम पर पैरवी करने वाले थे, जो सुन्नत मुस्तफा की रोशनी में अपनी जिंदगी की सुबह शाम करने वाले थे। और अक्सरियत का अंजाम जिल्लत और रुसवाई पर हुआ। ऐसे आलम में अगर इंसान में एक मुल्क का नहीं बल्कि हम तकलीम का बादशाह हो जाए मगर वो अल्लाह उसके रसूल का पैरवी करने वाला नहीं है, उसे इज्जत नहीं मिल सकती है, उसे वखार नहीं मिल सकता है। मगर कुरबान जाइए, जो लोग कुरान पढ़ते हैं कुरान को सिखाते हैं उनके ताल्लुक से मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं खैरकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, उनमें बेहतर वो है जो कुरान को सीखे दूसरों को सिखाए। इसलिए हजराते गिरामी खार आज हमने कुरान को पढ़ना छोड़ दिया है तो जिल्लत और रुसवाई हमारी मुकद्दर हो चुकी है। जब तक मुसलमान कुरान पढ़ता रहा कुरान के मुताबिक अमल करता रहा इज्जतों से हम कनार होता रहा। वो जमाने में मुअस्सस थे कारिए खुरा होकर, वो जमाने में मुअस्सस थे कारिए खुरा होकर, आज हम खार हुए तारीखे कुरा होकर। वरना सब लोगे तुम मिट जाओगे, हिंदी मुसलमानों तुम्हारी दास्तान तक ना होगी दास्तानों में, तुम्हारी दास्तान तक ना होगी दास्तानों में। हमारी इन बर्बादियों की असल वजह यही है, हम सीरत मुस्तफा से बहुत दूर जा चुके हैं। हमें करनी है शहनशाहे बता की रसा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी दारुल वाहिदिया तैयबिया बिलग्राम शरीफ में आप अपने बच्चों का दाखिला करवाइए, यहाँ पर आलिम दीन बनाइए, हाफिज कुरान बनाइए। इंशाअल्लाह मंजर आएगा, आपके बच्चे को यहीं से कुरान की सनद दी जाएगी, सनद दी जाएगी, आलमियत की सनद दी जाएगी। और याद रखो जिस रात आबादी से किसी आलिम या तालिबे इल्म का गुजर हो जाता है अल्लाह उस आबादी के कब्रिस्तान से 40 लोग के रोज के लिए असाबे कब्र को उठा लेता है। इसलिए मेरे कौम के भाइयों वाहिदी गुलामों उस आका ने मुस्तफा हमारी जिम्मेदारी यही बनती है हम वो काम करें जिससे मरने के बाद हमें फायदा मिले। मेरे नबी खुद इरशाद फरमाते हैं अलकयसो मंदाना नफ्सुहु अमलालिमा बादल मौत, अकलमंद इंसान है जिसने अपने नफ्स को रोका और ऐसा काम किया जो मरने के बाद काम आए। यकीन मानिए अगर हमने हुजूर सैयदी सरकार ताहिरे मिल्लत की जिंदगी को अपने लिए अपने 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 लिए मशाले राह बना लिया तो जब भी हमारा इंतकाल होगा तो ईमान पर होगा। दुनिया के लोग हमारे गम में आंसू बहाएंगे लेकिन अल्लाह के मुकर्रर फरिश्ते हमारी रूह के इस्तकबाल के लिए अर्श आजम पर खुशियां मनाएंगे। फर्श पर मातम उठे वो तैयब ताहिर गया, अर्श पर धूमे मची मोमिने सालेह मिला। कब्र की तंगो तारीख कोठी के जब हवाले किया जाएगा फरिश्ते मुस्ता देंगे नमकनो मंतलु रोज, आला हजरत फरमाते हैं कब्र में लहराएंगे ताहश चश्मे नूर के, चलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की, काम ले लीजिए तुमको जो राशि करे ठीक हो ना मेरा सा, तुम पे करोड़ दूध अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बी व अस्सलामु अलैकुम।